प्रॉब्लम हम कर रहे हैं 2.38 अकाउंटिंग इक्वेशन, ऊपर जो है कंपनी का नाम आता है, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन और फॉर द मंथ ऑफ, जिस महीने की आप बेसिकली बना रहे हो उस महीने का नाम लिख देंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज एसेट साइड, और जो राइट हैंड साइड है इसमें होगा लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ठीक हो गया। अब एसेट साइड पे अगर तो उसने बैलेंस ऊपर एसेट्स के दिए हुए हैं तो वो सारे आप यहाँ पर बना लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे उसने इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो कैश, उसके बाद उसने दिया हुआ है लैंड, उसके बाद उसने दिया हुआ है बिल्डिंग, उसके बाद उसने दिया हुआ है ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, और थोड़ी सी स्पेस आप लोग छोड़ देंगे ताकि अगर कोई नया अकाउंट आ गया तो बेसिकली वो नया अकाउंट हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास आगे लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड पे उसने दिया हुआ है नोट पेबल, नोट पेबल, साथ उसने दिया हुआ जी अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल, और साथ दिया हुआ है उसने कैपिटल। सो कैपिटल क्या है? कैपिटल ऑनर इक्विटी को कहते हैं। कैपिटल द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इनटू बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ये सारे आपके पास आ गए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन लगानी है, एसेट को अलग कर देना है लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, और उसके बाद आपने यहाँ पे बना लेने कॉलम। ये एक दो कॉलम और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो वो आ जाएंगे। सेंटर में आपने कर लेनी है डबल लाइन, और ये नोट पेबल अलहदा कर लें, उसके बाद आप अकाउंट पेबल ऐसे अलहदा कर लें। ये फॉर्मेट होगा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब उसके बाद जैसे जैसे ट्रांजैक्शन जो आपके पास आती जाएंगी, पहले सबसे पहले हम इनके बैलेंस लिख लेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है बैलेंस, बैलेंस तो 37,000 है इसका कैश का, लैंड का दिया हुआ है 95,000, बिल्डिंग का दिया हुआ है 1,25,000, उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है 51,250, और उसके बाद नोट पेबल है 80,000, अकाउंट पेबल है हमारे पास 28,250, और उसके बाद कैपिटल स्टॉक है 200,000। तो ये हमारे पास बैलेंस आ गए। उसके बाद हमारे पास जितनी ट्रांजैक्शन होंगी उनको बेसिकली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो पहली हमारी ट्रांजैक्शन है सोल्ड कैपिटल स्टॉक टू ऑनर्स फॉर 35,000। कैपिटल स्टॉक सोल्ड किया है, तो बेसिकली कहने को ये सोल्ड है लेकिन ओरिजिनली ये कंपनी ने सोल्ड किया है 35,000। तो आपके पास कैश आएगा, तो कैश हमारे पास आ रहा है इसलिए कैश में ऐड हो जाएगा। जब भी हम सेल करेंगे तो हमारे पास से चीज़ जाएगी और बदले में हमारे पास कैश आएगा, कैश आ गया। दूसरे नंबर पे आपके कैपिटल स्टॉक में इजाफा हुआ है, तो कैपिटल स्टॉक में आप लोग 35,000 ऐड कर देंगे। जैसे दो ट्रांजैक्शन हो तो आपने क्या करना है, आपने इसको क्लोज करके इसका बैलेंस निकाल लेना। ठीक है, 35,000 और इनको ऐड किया तो ये आ गया 72,000। बाकी में कोई चेंज नहीं आई तो बाकी आपने एज इट इज़ नीचे उतार लेने। तो ये बन गया 2,35,000। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन आ गई। सेकेंड ट्रांजेक्शन में कहता है परचेज लैंड एंड अ स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग,
फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 90,000, आउट ऑफ विच 35,000 वाज द वैल्यू ऑफ लैंड एंड 55,000 वाज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। तो बेसिकली 35,000 आपने लैंड परचेज की और 55 की आपने बिल्डिंग परचेज की। 35,000 की आपने लैंड परचेज की, तो लैंड में ऐड कर दें 35,000 और उसके बाद जो है 55,000 हमने 90,000 का ओवरऑल परचेज किया, उसमें से 35,000 लैंड परचेज किए और 55,000 की हमने बिल्डिंग परचेज किए, तो ये बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा। दूसरी साइड पे अब ये 90,000 में से हमने देखना है कि इसकी पेमेंट कैसे की। तो वो कहते हैं जी कि पेड 22,500 इन कैश, कैश में से चला गया है, तो कैश आपके पास से जा रहा है उसमें से कैश में से माइनस कर दें 22,500। अब दूसरे नंबर पर वो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो बनती है 67,500, तो वो कहता है कि उसके बदले में हमने क्या किया है 60 एंड द साइन एंड नोट पेबल फॉर द रिमेनिंग, आपने नोट साइन करके दे दिया, तो नोट पेबल की ये अमाउंट है, तो इसके नीचे इसमें इजाफा हो गया 67,500। दो एंट्रियाँ फिर हो गई हैं, तो आप इसके बाद इस पे लाइन लगा देंगे और इसका बैलेंस निकाल लेंगे। जिन चीज़ में कोई चेंज नहीं आया उनको एज इट इज़ उतार लेंगे। ये यहाँ पे चेंज हुआ है तो इसको ऐड कर लें और ये मान लें 47,500 आ गया। इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ उतार लें। इसके बाद इसमें इजाफा हो गया तो ये ऐड कर लें और ये 0,708 और ये, और इसके बाद इसमें भी इजाफा हो गया तो ये हो गया 0,12,13 और उसके बाद ये माइनस हो गया 5,9 और उसके बाद ये आ गए 6 में से 2,4। तो ये हमारे पास न्यू बैलेंस आ गए दूसरी ट्रांजैक्शन के बाद। उसके बाद नंबर थर्ड पे कहते हैं बॉट सेवरल कंप्यूटर सिस्टम ऑन क्रेडिट फॉर 9,500। ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ जब भी आ जाए तो उससे मुराद उधार होता है, मीन्स आपने क्रेडिट पे परचेज किया है। तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम उसने परचेज़ किया, कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली आते हैं ऑफिस इक्विपमेंट में, तो आप ऑफिस इक्विपमेंट में डाल देंगे। आपने परचेज़ किया है तो इसका मतलब ऑफिस इक्विपमेंट में इजाफा हुआ है, तो ये 9,500 इसमें ऐड हो जाएगा। दूसरी साइड पे आपने उधार लिया है, अगर तो कैश लेते तो कैश में से माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपने कैश से नहीं परचेज़ किया बल्कि आपने क्या किया उधार। तो उधार में दो हैं हमारे पास, नोट पेबल और अकाउंट पेबल। तो जब भी आप कोई नोट साइन करके देंगे तो नोट पेबल में आएगा, अगर आप ओरल करेंगे तो उस सूरत में अकाउंट पेबल में आएगा, तो 9,500 इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अब फ्यूचर में ज़्यादा पैसे लोगों को देने हैं। अगर तो आप पे कर देंगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, अगर आपने फ्यूचर में ज़्यादा पैसे देने हों तो बेसिकली उसमें आपकी लाइबिलिटी में इजाफा हुआ, इसलिए आपने इसमें ऐड कर दिया है। तो अगेन जिसमें कोई चेंज नहीं आई उसको एज इट इज़ उतार लेंगे, जिसमें चेंज आई है उसको ऐड कर लेंगे 17 और ये, और इसमें कोई चेंज नहीं है ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद इसमें इजाफा हुआ है 7 और ये आ गया 60, मान लें 80,000। इसके बाद मान लें 30,000 और ये 49,500, ये नया बैलेंस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर फोर में कहता है ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम कैपिटल बैंक इन द अमाउंट ऑफ 20,000, साइन अ नोट। अगेन हमने नोट साइन करके दिया है और लोन लिया है। लोन जब भी हम लेते हैं किसी भी बंदे से या बैंक से तो आपके पास कैश आता है, तो कैश में इजाफा हो गया 20,000 का। और दूसरे नंबर पर आपने नोट साइन किया तो आपकी लाइबिलिटी में भी इजाफा हो गया क्योंकि आपने ये फ्यूचर में पैसे वापस करने हैं, तो 20,000 ये आ गया। इसको ऐड कर लें 69,500, 1,30,000, 1,80,000, 60,750 और उसके बाद 1,67,500, 37,750 और उसके बाद 2,35,000। लास्ट ट्रांजेक्शन है
लास्ट ट्रांजेक्शन में क्या था, पेड 28,000 टू 50 अकाउंट पेबल, जो आपने अकाउंट पेबल को देने थे उसमें से आपने 28,000 टू 50 पे कर दिए, तो आपकी लाइबिलिटी में डिक्रीज हुआ है, इसमें से माइनस कर दें 2800 टू 50। दूसरी साइड पे आपके पास कैश गया है तो कैश में से आप माइनस कर दें 28 टू 50 और उसके बाद आप लोग निकाल लें यहाँ पे बैलेंस। तो जिन चीज़ों में कोई चेंज नहीं है उसको आप एज इट इज उतार लें। ठीक है, उसके बाद जी ये इसमें से माइनस कर लें तो 250, उसके बाद ये 1 और ये बनेगा 4। अब इन सब को ऐड कर लें तो टोटल एसेट्स इक्वल टू, और दूसरी साइड पे इन सब को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा टोटल लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये दोनों साइड है इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए इनको टोटल करने के बाद हमारे पास टोटल एसेट्स हैं 4,12,000 और टोटल लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी वो है 4,12,000। तो बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड मींस एसेट साइड मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। तो इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन हर स्टेप पर अगर आप टेस्ट करना चाहें तो कोई भी स्टेप टेस्ट कर लें, वहाँ पर दोनों साइडें जो हैं वो इक्वल होंगे, मींस टोटल एसेट जो हैं वो इक्वल होंगे लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी के। तो ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने बेसिकली इसी तरीके से 2.4 है वो सॉल्व करना है। थैंक यू।